मन को किस प्रकार कब्जा किया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। अर्जुन भी कृष्ण से ऐसा ही कहे थे कि कृष्ण सब कुछ तो होना लग रहा है, लग रहा है कि आसमान भी तोड़ा जा सकता है, बाण से लग रहा है सर सब कुछ हवा को बांधा जा सकता है, लेकिन मन इतना चंचल है जो ये वश में नहीं लग रहा है, इसका क्या उपाय है। स्थिति यह है कि मन शैतान का प्रतिनिधित्व करता है तन में, बुद्धि देवता का प्रतिनिधित्व करती है, मन शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान इंद्रियां जो पंच भौतिक पदार्थों का प्रतिनिधित्व करती है, और जीव जो है परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। इस शरीर में इस पूरी पूरा पिंड जो है ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है समाज में। तो मन चूंकि शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, शैतान कभी परमेश्वर का वो पात्र अपना पात्र रह चुका है, तो मन जो है वास्तव में संसारिक किसी कर्म क्रियाकलाप से तो मन बदल नहीं सकता, ये तो इसके बस का है जी। अब रही चीज साधक जन साधना में जीव को धारा के माध्यम से ईश्वर में जोड़ करके और कुछ देर के लिए मन को किनार बैठा देते हैं, छोड़ देते हैं, और क्योंकि मन बुद्धि का स्थान शरीर और जीव के बीच है, मन बुद्धि का स्थान शरीर और जीव के बीच है, जीव जब अपना इधर का गति छोड़ करके शरीर की तरफ का गति संसार की तरफ का गति छोड़ करके जब उलट करके ईश्वर की तरफ चलने लगता है, आत्मा की तरफ चलने लगता है, तो मन बुद्धि इंद्रियां सब पीछे छूट जाते हैं। जब ये सब पीछे छूट जाते हैं तो उस आगे बढ़ने चलने वाले जीव को जो है जो आत्मा से मिलने के लिए जाता है आध्यात्मिक क्रिया योग साधना के माध्यम से, तो उस समय मन जो है कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। यदि सही गुरु से सही क्रिया की जानकारी मिल जाए और जीव जो है सही रूप से आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दिशा में चलने लगे तो वह उसमें मन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान समाधि के बाद जैसे ही जीव वापस लौटेगा आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र से, पुनः जैसे ही माया के क्षेत्र में जीव प्रवेश करेगा और जैसे ही इंद्रिया विमुख होगा, फिर मन बुद्धि जो है हावी हो जाएगा, फिर मन जो है वहां जुड़ जाएगा। क्यों? कि जीव जो है सीधे इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकता, जीव जो है सीधे इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ करने के लिए मन बुद्धि का बीच में, जीव मन बुद्धि के माध्यम से ही इंद्रियों को से काम लेता है, इंद्रियों को सक्रिय रखता है। जीव जो है सीधे इंद्रियों को चालित नहीं करता है, उसमें मन बुद्धि मीडिया का काम करते हैं, मन बुद्धि जो है ये सीधे इंद्रियों के संपर्क में रहते हैं। तो उसी तरह से जो है ये मन काबू में करना यदि सांसारिक तरीके से सोच रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। योग साधना की क्रिया के अंतर्गत यदि सोचते हैं तो उतने देर तो संभव है जितने देर आप ध्यान समाधि में हैं। जैसे ही फिर रिटर्न हो गए माया क्षेत्र में तो मन जो है वहां काम करता है, तो रहता है। इसका एक ही उपाय है कि परमेश्वर के प्रति इसको समर्पित कर दिया जाए, वही एकमात्र ऐसा है जो इस पर काबू पा सकता है। परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई नहीं है मन पर काबू पाने दिलाने वाला। इसलिए परमेश्वर जो है तन का समर्पण कराते सहित तो मन का भी समर्पण जरूर लेता है। धन समर्पण कीजिए मत कीजिए, लेकिन तन के साथ मन का समर्पण जरूर लिया जाता है। हमारे यहां भी तन मन का समर्पण जो है अनिवार्य है। धन कीजिए मत कीजिए, मत कीजिए धन समर्पण, लेकिन तन मन का समर्पण तो अनिवार्य है। अब रही चीज बुद्धि का समर्पण नहीं लिया जाता है। बुद्धि आप अपना खूब रखिए, कायम रखिए, खूब दौड़ाइए और लीजिए बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से कोई विकृति नहीं है। बुद्धि आपके पास रहेगी तो आप विकृति में नहीं फंसेंगे, बुद्धि आपको पतन को नहीं ले जाएगी, बुद्धि आपको गिराने फंसाने काम नहीं करेगी, वो काम मन का है। इसलिए मन को सरेंडर कराया जाता है, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय हमको नहीं दिखाई दे रहा है भैया। मन को सिवाय परमेश्वर को समर्पित करने की और समर्पित रहने, इसीलिए केवल मन के चलते जो है समर्पण शरणागत है। यदि मन विकृत नहीं बनाता
तो कोई जरूरी नहीं था कि हम लोग आप लोगों का समर्पण स्वागत कराते। केवल मन पर काबू करने के लिए कि केवल यही एक ऐसा जगह है परमेश्वर का और ज्ञान का कि जहां मन पर नियंत्रण रह सकता है। परमेश्वर किसी को मनमाना नहीं रहने दे सकता, सबको विवेक से काम करने के लिए मजबूर कर देगा कि विवेक से काम करो, विवेक से काम करो। नहीं विवेक से कर पाते हो, बुद्धि से करो। ये मनमाना क्यों हो रहे हो? मनमाना किसी को नहीं रहने देगा। दंडित करके ये मुस्लिम भाई बंधु लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला निराकार है। अल्लाह ताला तो केस पकड़ पकड़ कर घसीट करके दंड देता है, निराकार कहीं केस पकड़ कर घसीटता है। अल्लाह ताला तो घसीट घसीट करके उसकी मार इतनी सख्त है कि जमराज की मार भी ढीली पड़ जाएगी। उसी के विधान का भी तो जमराज का मार है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। yes.